शाखां वितांश्च स्वज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो Thank you.
Thank you.
माया हटा ले माधव
Thank you.
रबड़ी सी रात कैसी हो
சட்டகை சட்டகிரவளி செலியா ஜா ஜா ஜாயோ யசோதா ஜலே விசிரானினே ரவுளி சிரா துமே ஓரியே லடுவா जनमु लियो मैया के आंगन में जनुआ जनमु लियो लियो मैया के आंगन में जनुआ जनमु लियो मैया के आंगन में जनुआ जनमु लियो जनमु लियो मैया के आंगन में जनुआ जनमु लियो Oh,
Gaurabrahmanande Hari Hari Bo. Thank you.
ये तो सब वो बच्ची भी अभी गाड़ी खड़ी है और भाई वो बैंड खोल लो थोड़ा से माधवास बैंड है और बोल के तो नाचने वाला जाएंगे बोला बेटा बोल के नाचने के लिए हां सही ये सब गाने के लिए नाच बना लोगे चार में युवा हां बैंड खोल जाए हरे कृष्ण हरे काफी बहुत अच्छा लग रहा है सबसे अच्छे जंगी गाय लेकिन थोड़ा बोल के ये सुनाई पड़े सामने हरे कृष्ण वो थोड़ा ना माइक अंदर जाती है माइक आपकी आवाज तीखी है नहीं उसको ना हारमोनियम में गाना पड़ता है फिर क्या होता है गला फिर इसमें एडजस्ट हो जाता है तेज भी हो जाता है मैं फूल लो सब फूल लो मेरे को खड़ा हाँ मेरे पीछे पीछे बोलो सब बोलो ओ स्वस्तिना गोविंदः गोविंदः स्वस्तिना स्वस्तिना अच्युतानन्दौ अच्युतानन्दौ स्वस्तिना स्वस्तिना वासुदेव वासुदेव विष्णुर् विष्णुर् दधातु इन्द्रः स्वस्तिना स्वस्तिना वैनतेयो वैनतेयो हरिः हरिः स्वस्तिना स्वस्तिना अञ्जनासुतः अञ्जनासुतः हनोर् भागवतो भागवतो दधातु दधातु स्वस्ति 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 सुमंगलैकेशो सुमंगलैकेशो महान श्री कृष्ण सच्चिदानंदघन सच्चिदानंदघन सर्वेश्वरेश्वर सर्वेश्वरेश्वर दधातु दधातु लाभस्तेसं लाभस्तेसं जयस्तेसं जयस्तेसं कुतस्तेसं कुतस्तेसं पराभव पराभव जेसं जेसं इन्दिवरस्यामं इन्दिवरस्यामं हृदयस्थो हृदयस्थो जनार्दन जनार्दन माधव 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 वाची वाची माधव 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 हृदिः स्मरन्ति साधवा सर्वे साधवा सर्वे सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु माधवम् माधवम् नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय नरसिंहाय प्रह्लाद प्रह्लाद प्रह्लाददायिने प्रह्लाददायिने हिरण्य हिरण्य कशिपुर्वक्षः कशिपुर्वक्षः शिलाटङ्क शिलाटङ्क नखालये भरतो नृसिंह भरतो नृसिंह जतो जतो जामि जतो जतो जामि भरतो नृसिंह ततो नृसिंह हृदय नृसिंह हृदय नृसिंह बहिर् नृसिंह बहिर् नृसिंह नृसिंहमादि नृसिंहमादि शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये प्रमद मदन लीला प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते कंदरे कंदरते रचयति नवजूना रचयति नवजूना मंदमस्मिन् मंदम् मंदमस्मिन् मंदम् तकील कलनार्थ लग्नस्कस्द्वयर्मे निज निकट निवास देहि गोवर्धन पूर्णत्वाम् तुलसी सर्वविष्टपत गिरिराज महाराज विनाशन करने सिंह भक्त श्रेष्ठ प्रह्लाद महाराज की जय सपरिकर गौर हरि की जय श्री गुरुपाद पद्म की जय गौर प्रेमानंदे मंगल भवतु कल्याण भवतु सुखी भवतु उपमाला ठाकुर कुत्ता कर दे अब बढ़िया से होटल में अब व्हाट्सएप में उपमाला ठाकुर कुत्ता तो बता हुआ माता क्लासिकल इंडियन गाते हैं।
लगराज महाराज की जय। कि नहीं जो बढ़िया से मुस्कुरा लिया सबके साथ में। अब सबके साथ में ले ले बढ़िया खड़े हो जाओ। हरे कृष्ण यहाँ बैठ जा। हाँ हमारे भक्त लोग बैठ जा। अकबर कहाँ जा रहे हो? बलगिराज महाराज की जय। काम करते हैं अगर भगवान का नाम को साथ में करे तो क्या होगा? वो बच्चों को बड़े अच्छा संस्कार पड़ता है। इसलिए हमारे भारत में 10 संस्कार है। कितना संस्कार है? 10। पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार, मतलब जिस पेट में बच्चे को धारण करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त भी जिस दिन उनकी माँ गर्भ में बच्चा धारण करेगा उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी में थे तब जगन्नाथ जी को पास मिले। दोनों पति पत्नी जगन्नाथ से प्रार्थना किया है ठाकुर जी हमें ऐसे एक संतान दो जो कि तुम्हारी भजन करे बड़े होकर तुम्हारी भक्ति करे। जब उन्होंने प्रार्थना किया उनको इतना अच्छा बच्चा हुआ, बड़े आज्ञाकारी बच्चे हुए, बड़े संस्कारी बच्चा हुआ और बहुत बड़ा संत बना वो बच्चा। इसलिए जिस तीन गर्भ में बच्चा अगर सही हो अब देखना ऐसे ऐसे कुछ बच्चे होते हैं बड़े संस्कारी होते हैं। सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूते हैं, पिता माता की आज्ञा पालन करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं बड़े उद्धट हैं, जन्म से ही बड़े उद्धट हैं, दुष्ट है, भक्ति भक्ति करेंगे नहीं, पिता माता की बात नहीं सुनेंगे, उनका विरोध अभी करते। क्यों? जिस दिन गर्भ में प्रवेश करता है बच्चा अगर वो अमृत योग हो है, अगर अच्छा समय हो तो वो बच्चा अच्छा, इसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार होता है गर्भ में बच्चा रहते हुए जो एक संस्कार होता है, हैं? इसलिए अगर बच्चे गर्भ में अगर माता जी गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ेगा, भगवान की भक्ति करेगा तो बच्चा अच्छा संस्कार बनेगा। अगर डिस्को डांस देखेगा, उल्टा पुल्टा पिक्चर देखेगा, फिर बच्चा गुंडा बन कर इसलिए इसको कहते हैं क्या है, उसको कहते हैं गर्भ संस्कार है, हैं? इसलिए प्रहलाद इतने बड़े संत कैसे हुआ है? जब बच्चों ने पूछा प्रहलाद हमारे गुरु तो संत है, हमारे कहे हैं एक गुरु जी को साथ में हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन तू जो बात कहते हो इतनी अच्छी अच्छी बात कहाँ से सुना? तो उन्होंने बोला जब मैं माँ के पेट में था है उसी समय में नारद जी ने मेरे भैया को अच्छी अच्छी ठाकुर का कथा सुनाई। हाँ मैं पेट में बैठ बैठ करके सारे ज्ञान को मैंने सुन लिया है, इसलिए इतना अच्छा बना। हमारे लव कुश इतने अच्छे कैसे बने? पेट में बच्चे रहते समय भगवान राम ने सत्संग बुलवाया, वहाँ पर सत्संग हुई है। भगवान राम कहते हैं सीते तेरे को पता है आज मैंने ये साधु संत को क्यों बुलाया? बोले क्यों? बोले आज तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, इसी समय अगर तू सत्संग सुनोगी वो बच्चा बड़ा संस्कार होगा। इसलिए बच्चा कौन हो गया? लव और खुश है, कितने प्रतापी कितने ज्ञानी मानी है, इसको कहते गर्भ संस्कार। फिर उसको बाद में कहते उसको बाद में होता है नाम संस्कार। नाम संस्कार मतलब होता है जैसे बच्चा जन्म लिया ऐसे नहीं मन में जुआ टुन्नु बुल्लू टिक्की पिक्की जितने विदेशी कुत्तों का नाम बच्चों का नाम धरा दें हैं, कुत्तों का नाम धरा दें नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। वो जन्म संस्कार में काल नक्षत्र को देख करके ज्योतिष को बुलाने पर वो एक नाम अक्षर निकालता है, वो अक्षर को पहले रख करके कोई भक्त नहीं तो भगवान इनका कोई नाम रखो। नाम रखने से क्या होता है जैसे अजामिली ने नारायण नाम रख दिया बेटा का, बस उसी से ही कल्याण हो। नारायण बोलते बोलते अंतिम समय में कहीं से बेटा का नाम ले लिया तो उसको उधार। इसलिए पहले लोग क्या नाम रखते थे, सब ठाकुर का नाम पर धराया करते थे,
क्योंकि जितना बार मुंह से भगवान का नाम लिख लेगा वो बच्चा सुनेगा उसका भी कल्याण, जो बोलेगा इसका भी जीवा कल्याण, जिस घर में ठाकुर का नाम गूंजेगा उसका भी कल्याण है। इसलिए सबके सब भगवान की नाम पर धारा करते थे। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, है? नाम की बड़ी है, प्रभाव पड़ता है। जैसे तुम क्या नाम कान्हा अगर मैं बोलता हूँ कान्हा ये गोविंद, जैसे अगर बोलता हूँ कान्हा गोविंद बहुत अच्छे बच्चे, बड़े पिता माता के आदेश पालन करते हैं, पढ़ाई में बड़ा तेज है और स्वभाव बहुत नेचर अच्छा, अच्छा अगर उनके लिए बोलो ना खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अगर थोड़ी उल्टा उल्टा बोलते गाली देते फिर क्रोधित हो जाते। शब्द ही ना, और तो कुछ नहीं, केवल शब्द से सारा दुनिया शब्दों के ऊपर चलता है, सारा दुनिया सारी दुनिया एक शब्द में खुश हो जाए तो एक शब्द प्राण निकाल लेते हैं। ये शब्द के इतने प्रभाव है, इसलिए इसको कहते हैं नाम करना संस्कार। फिर उसको बाद में फिर होता है उसका अन्न प्राशन संस्कार। अन्न प्राशन मतलब जब बच्चे का पहला दिन जो अन्न खाता है, अन्न लेता है, उसको ठाकुर जी को भोग लगा करके मंत्र को साथ में जब वो बच्चे को पहला दिन अन्न खिलाया जाएगा, भगवान का प्रसाद खाएगा। प्रसाद मतलब आशीर्वाद, बोले प्रसाद सर्प दुखा नाम हानि रस बजाय। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से जीवन का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं है, अन्न प्राशन। अरे चूड़ा करना मुंडन संस्कार होता है, किसी धाम में बोलते हैं ना हम बद्रीनाथ में जाकर के मुंडन संस्कार कराएंगे, नहीं तो वृंदावन में जाकर के मुंडन संस्कार कराएंगे। धाम में जाने पर वहाँ के वातावरण से, वहाँ से धूल से है क्या होता है, पूरा चैतन्य में कल्याण कल्याण हो जाता है। इसलिए कहते हैं उसका चूड़ा करना संस्कार, फिर उसका फिर विवाह संस्कार होता है, पर संस्कार, फिर विद्या आरम्भ संस्कार। जब हमारे गांव में जो विद्या आरम्भ होता था ना, हम देखते थे पहले ऐसे नहीं घर से पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं, सबसे पहले टीचर को पास में जाते थे। हमारे देश में वो शब्द हो नहीं तो उसमें तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पहले सिलेक्ट होता था, उसमें हमारे देश में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऐसे शुरू करते थे। मतलब ब्रह्मा एक गोल, दो गोल, तीन गोल है ब्रह्मा विष्णु। हमारे देश में हम जब पढ़ा हाँ जब गए टीचर को पास में सबसे पहले यही से है शुरू करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं विद्या आरम्भ संस्कार। फिर उसको बाद में फिर होता है साधे विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार में क्या होता है, ऐसे अपने आप नहीं लव मैरिज कर लेते, पहले तो लव मैरिज था ही नहीं, अपना मनमारी बाजी जहाँ हो गया शादी कर लिया, पहले नहीं होता था है। इसलिए क्या करते थे पिता माता अपना जात वर्ण कुल रीति के अनुरूप वो शादी कराते थे, ऐसे नहीं उसको जन्म पत्र मिलाते थे, जन्म पत्र मिलाते थे, देखते थे कितना जन्म पत्र में क्या क्या मिलता नहीं मिलता उसको देखते थे, देख सुन करके फिर शादी करते थे। इसलिए बड़े बूढ़ों को पूछ लो डाइवोर्स नाम का कोई नाम सुने, वही डाइवोर्स नाम का कोई शब्द नहीं था, लेकिन आज इतना क्यों होता है, कारण यही है एक जाति से और कोई शादी कर लिया जन्म पत्र से कोई मतलब नहीं। जिस समय वो बच्चा जन्म लेता है जिस नक्षत्र से उसको साथ में जुड़ा हुआ होता है, हैं? इसलिए हमारे देश में तभी जन्म पत्री मिला करके, क्यों जन्म का समय में प्रभाव होता है उसको, इसलिए फिर शादी कराते थे तो फिर डाइवोर्स नहीं होता था, दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जिंदगी भर खुशी में रहते थे, प्रसन्न होकर जिंदगी भर रहते थे है, इसलिए खुशी रहते थे। इसलिए जिसको कहते हैं ये विवाह संस्कार, ऐसे ही जो संस्कार पहले होता था इस सब के सब हमारे साइंस हमारे भारतीय साइंस के अनुरूप होता था, इसलिए सबके सब पति पत्नी दोनों बड़े खुश रहते थे जिंदगी के बाद। हाँ थोड़ी शादी के बाद में थोड़ी घटोपट हो सकती है, ऐसे नहीं मन में ये नहीं लाते थे हो वो कि तू जा और मैं जा रहा, ऐसे नहीं होता था, दोनों प्रेम पूर्वक दोनों जिंदगी भर प्रेम पूर्वक जीवन को बिता देते थे, आनंद पूर्वक रहते थे, ठीक है ना। इसलिए आज इस बच्चे का जन्मदिन है क्या सबका, इसलिए भक्त लोग आए घर में हरि कीर्तन हुई बधाई का कीर्तन हुई, सब इसको मंत्र से आशीर्वाद दिया है, फिर क्या होगा कि बच्चा भक्त तो है ही है, पहले से ही संत है भक्त है, और बढ़ करके भी और अच्छा भक्त बनेगा और गुरुजन को आदर करेगा, पिता माता की सेवा करेगा है। कल भैया भजन गाए और उसका क्वालिफिकेशन को
सुनकर के ना वहाँ सब दंग रह रहे थे, उनका घर में बच्चे हैं ना कलम बोल रहे थे, तो देख रहा था कितना बढ़िया पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है, कि जो पढ़ाई कर रहे बच्चों का सहजन वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है, सब कह रहे थे सहजन वहाँ एडमिशन बच्चों को नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ तभी भी पता लगाया है गले में कट्टी भजन गा रहा था, अब वो बच्चों को सब बोल रहे थे बोले तुम लोग भी ऐसे करो ऐसे नहीं, थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ाई करती है, अरे भक्ति भक्ति क्या चीज होती है, भगवान की भक्ति को साथ में कोई काम करो ना उसमें दो तीन दो गुना रात चौगुना बढ़ते हैं, क्यों उनको साथ में भगवान का आशीर्वाद रहता है, ठाकुर जी की आशीर्वाद रहता है, आशीर्वाद से ही जीव का पढ़ाई हर चीज में उनकी बढ़ोतरी रहती है, इसलिए भगवान की भजन करो हरि नाम करो और सब कुछ घर में जो कुछ करो भक्ति को साथ, ठीक है ना। ये कौन है आपका भाई है, उनका दोस्त है, हाँ अच्छी बात, भगवान की भक्ति करो, हाँ अकेला है इतना और कोई आए घर से, मामी भी आई है, कौन है मामी, देखो भगवान की भक्ति को साथ में सारे काम करो, अगर सारे घर में सब कुछ सही है लेकिन भक्ति नहीं ना वो लास्ट में गोल आवर मिलेगा जीरो मिलेगा। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं राम नाम के अंक है सब साधन की सुना, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस, इसका मतलब है उदाहरण देकर समझाया, जैसे एक रखो और उसको सिद्धार्थ में के सुनो तो कितना होगा दस, दस होगा, पहले था एक लेकिन जो एक जीरो लगा दिया ना जो एक है वो झट दस गुण बन गया, और एक जीरो दो कितना होगा सौ, पहले था दस लेकिन जब एक जीरो दिया जो दस है झट सौ गुण हो गया, और एक जीरो दो हजार, पहले था सौ लेकिन जब एक जीरो दे दिया झट तो सौ दस गुण हो गया हजार हो गया। वो कहते हैं एक को हटा लो, एक को हटा लो अभी जीरो दो कितना होगा जीरो, और एक जीरो दो और एक जीरो दो जीरो जीरो जीरो। देखो वो क्या समझा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास का दोहा है, यदि भगवान की भक्ति ये एक है हुआ है ये संसार जीरो है, ये आज है कल नहीं, जैसे कि धर्मशाला में रुकते हैं ना अलग अलग देश का लोग, रात में को गप्पे मारते कहाँ से आए कलकत्ता बोले उड़ीसा बोले मद्रास बोले बम्बे सवेरे होते गए, ये संसार ठीक है ऐसे ही है, तुम कौन हो बोले मैं तेरी बीवी हूँ बोले तू कौन है बोले पति है बोले तुम कौन बच्चे, ये गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं गप्पे के बल मार, इसका समय आएगा वहाँ से उनको उतरना ही पड़ेगा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि तो जीरो है लेकिन ये जीरो हीरो बन सकता है, लेकिन हीरो कैसे बनेगा तो एक को जोड़ दो, बोले एक किया बोले भगवान की भक्ति, खूब संसार करो बच्चे जन्म दो पालन करो पैसा कमाओ घर मकान बनाओ, बोले क्यों कारण क्या बोले कारण है एक को साथ में जोड़ते हुए, कहते हम मैं कौन हूँ बोले भगवान का सेविक हूँ, बोले पत्नी कौन भगवान की सेविका, बच्चे कौन ठाकुर का बच्चे, घर किसका बोले ठाकुर का घर है, रसोई क्यों बना रहे हो बोले भगवान को भोग लगाए, काम क्यों कर रहे हो बोले पैसा के बगैर ठाकुर का सेवा की सेवा है, इसलिए अगर हर चीज को भगवान को भक्ति को साथ में जोड़ देंगे ना बस दस दस गुण संसार में पड़े खूब फलते फूलते रहोगे संसार, ठीक है ना। लेकिन ये कब होगा जब हम किसी साधु से जुड़ेंगे, किसी साधु से, ये लोग कैसे भी भक्ति करते हैं कारण क्या हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु जी से मिले भी हैं, इसलिए गले में कंठी माला तिलक हरि नाम सब तभी कर रहे हैं क्यों संतों से जुड़े हैं, ये हमें कौन भक्ति में कौन लगाएगा, अपने आप नहीं लगा सकते हैं, कितना गुरु गोविंद तो खड़े कहाँ के लाग पाऊँ बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद, हमें भगवान का रास्ता कौन दिखाएगा, हमें गुरु जी रास्ता दिखाएंगे ना, सदगुरु हमें दिखाएंगे कैसे भक्ति के मार्ग पर हम कैसे चले, इसलिए नियम है हमें संतों के साथ में जुड़नी चाहिए, भक्तों के साथ हमें जुड़ करके सब काम करो खूब करो, ठीक है ना, इसलिए हरिनाम करो गंदे चीज मत खाया करो, मांस मछली शराब अंडा प्याज लहसुन उसको त्याग दो, घर में जो खाना बने भगवान को भोग लगाओ, घर में जो चीज नहीं चलती है ना तुम्हें पूछ रहा हूँ मांस मछली अंडा और कुछ नहीं ना, एक प्याज को छोड़ ठीक है लगता है, इसको तामस के भोजन बताया, जैसे नवरात्रि होता है 9 दिन तक कोई प्याज नहीं
जाते हैं ना कि वो माता जी को पसंद नहीं, क्या मैया को नौ दिन के लिए खुश रखो, फिर खा कर नाराज हो, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। इसलिए भागवत में तो दो दो कथा आती है, कभी ये गैया का मांस से शुरू हुआ है, गैया का हड्डी से लहसुन, गैया के मांस से ये प्याज बना हुआ है, तामसिक भोजन है, इसलिए भगवान की सेवा में नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए इसको त्याग दे करके भगवान को सुंदर रूप में भोग लगाओ, भगवान का प्रसाद खाओ, जैसे खाओगे अन्न वैसे मन को पाए, ठाकुर का प्रसाद खाएंगे तो मन को शांति मिलेगी। आप खुद देख लो, भगवान को भोग लगा कर खाओ, ठाकुर का प्रसाद है, आशीर्वाद है, मन को शांति मिलेगा, घर में भी शांति सुख, घर में भी शांति सुख कर देने, ठीक है। इसलिए सबके सुबह हरिनाम करो, माला जप करो, ठीक है। बच्चे कौन है तुम्हारे? बच्चे नहीं आए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग भी रखा करो, ठीक है। एकादशी व्रत रखो, एकादशी सबसे बड़ी व्रत है, एकादशी व्रत रखने से सब व्रत रखना हो जाता है, ठीक है ना। भगवान की भक्ति करो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। आरती आरती है ना, आरती को सजाओ, बोले गोविंद।